भेड़ों की ढाणी में चौधरी लक्ष्मण राम बेड़ा की प्रतिमा का अनावरण, राज्य सरकार की नीतियां महात्मा गांधी के सिद्धांतों के अनुरूप। मुख्यमंत्री जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाएं एवं नीतियां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों के अनुरूप हैं, जो हर व्यक्ति तक पहुंच बनाती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मूलभूत सुविधाओं से लेकर चहुंमुखी विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र से मिलने वाली राज्य के हिस्से की राशि में कटौती होने के कारण विकास के कार्य प्रभावित होते हैं। अगर वहां से पूरी राशि समय पर मिलती है तो विकास योजनाओं को पूरा करने में आसानी होती है। गहलोत शुक्रवार को जोधपुर जिले के भोपालगढ़ क्षेत्र स्थित बेड़ों की ढाणी में स्वर्गीय चौधरी लक्ष्मण राम बेड़ा की प्रतिमा का अनावरण कर लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण राम बेड़ा ने अपने जमाने में शिक्षा को बढ़ावा दिया, गरीबों की सेवा की और उनके सुख दुख में साथ दिया। उनकी प्रतिमा से समाज को सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपालगढ़ क्षेत्र में विकास को लेकर किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। राज्य सरकार जिन प्रतिनिधियों व ग्रामीणों की मांग के अनुरूप यहां स्वास्थ्य सुविधाओं सहित विकास के अन्य कार्य करवाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं पहले से ज्यादा कामयाब हैं, उन्हें और सशक्त बनाने की जरूरत है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्व इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि स्व इंदिरा गांधी ने बड़े साहस के साथ पाकिस्तान और आतंकवाद का मुकाबला किया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषकों के कल्याण के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए हैं। किसानों को इन योजनाओं के लाभ को समझने की जरूरत है। साथ ही राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए लगातार भर्तियां निकाल रही है। युवाओं को रोजगार देने की दिशा में इस सरकार ने सार्थक प्रयास किए हैं। इस अवसर पर उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, विधायक कृष्ण आरम विश्नोई, राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, पूर्व सांसद बद्री राम जाखड़, जोधपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, राजसिकों के पूर्व अध्यक्ष सुनील परिहार एवं पूर्व जिला प्रमुख मुन्नी देवी गोदारा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक एवं पूर्व विधायक नारायण राम बेड़ा ने अतिथियों का स्वागत किया। सर्किट हाउस में की जान सुनवाई। मुख्यमंत्री जोधपुर यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को सर्किट हाउस में बड़ी संख्या में आमजन, दिव्यांगों, वृद्धजनों, संगठनों एवं संस्थाओं के पदाधिकारियों तथा जिन प्रतिनिधियों से मिले, उन्होंने पूरी आत्मीयता के साथ लोगों की समस्याएं सुनी और उनसे बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए।